मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर आपको कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है बच्चों, वैसे तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कैसे करी जाती है उसको भी हम देख लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करते हैं। कभी भी जब लेस देन और इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों तो इनको फिलिंग का ऑर्डर होता है, वो ध्यान देना। उसको हम ट्रिक से लिखते हैं बाबा बी और ये बी। जहां इक्वल लिखा है बच्चों वहां पे इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हमारे पास 2 है तो 1 1 करेंगे, अगर हमारे पास 3 है तो 1 1 एंड 1 करेंगे, अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं लास्ट में तो 1 1 1 एंड 1 करेंगे। तो देख लेते हैं ये फिलिंग का ऑर्डर है, बी से है बॉन्डिंग, ए से है एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग के लिए लिखते हैं 1s सिग्मा, तो ये होगा 1s सिग्मा स्टार, ये होगा 2s सिग्मा, ये होगा 2s सिग्मा स्टार। बच्चों ये पी ऑर्बिटल 3 होते हैं तो कोई भी एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला क्या बना रहा होगा, सिग्मा बना रहा होगा, बाकी 2 क्या बना रहे होंगे, पाई बना रहे हैं। तो हमने माना है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, तो जेड जो है वो सिग्मा बना रहा होगा और एक्स ये पाई बना रहा होगा और वाई वाला भी क्या बना रहा होगा बच्चों, पाई बना रहा होगा। ठीक है, स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग है, जहां स्टार नहीं है वो सारे के सारे क्या है, बॉन्डिंग है। जब हमारे पास ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बच्चों तो ये ऑर्डर इस तरह से ना होके ऐसा ऑर्डर हो जाता है बी ए बी ए बी बी ए और ए फिर से ए। तो बी से बॉन्डिंग तो 1s सिग्मा, ए से एंटी बॉन्डिंग 1s सिग्मा स्टार। बच्चों ये है 2s सिग्मा, ये 2s सिग्मा स्टार है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ध्यान से एक बार फिर से देख लेना। ये वाला बच्चों क्या हो जाएगा 2pz सिग्मा, ये बनेगा 2pxy पाई और 2py और ये भी पाई। फिर बच्चों ये बनेगा 2px पाई स्टार, फिर ये इक्वल हो जाएगा 2py पाई स्टार के, उसके बाद आएगा 2pz सिग्मा स्टार। बॉन्डिंग ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की ज्यादा होती है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल की हमेशा कम होती है। तो आप ये देख लीजिए, इससे हम बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो अगर हमको बच्चों एक क्वेश्चन है हमारे पास, हमको जो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करनी है वो किसकी फाइंड करनी है, हम लोग जरा ध्यान से देख लेते हैं क्वेश्चन को कि बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें निकालनी है O2 की, तो O2 की बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो O2 के पास हम देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 16 इलेक्ट्रॉन है। तो 16 इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ पे आएगा, जो ग्रेटर देन 14 पे आएगा। ईच में 2 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ 1 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बच्चों हम अगर 16 को फिलअप करें तो कैसे करेंगे, 2 2 2 2 और 2, ये 8 हुआ, ये 1 हुआ, फिर ये 1 हुआ, ये फिर 1 हुआ, ये फिर 1 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 1 हुआ। तो बच्चों ये देखो 16 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 2 2 2 2 2 10 11 12 13 14 15 16। अभी आपको पता है कि जो उसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं बच्चों, गिनो 2 2 2 2 और 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बच्चों उसमें कितने आ रहे हैं, 2 2 2 6 2 और 2, ये आ रहे हैं 10 आ रहे हैं। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बच्चों उसमें कितने आ रहे हैं, 2 आ रहा है 2 आ रहा है, 1 आ रहा है 1 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गई, 1/2 10 माइनस 6 मतलब 1/2 × 4 यानी कि 2 हो गई इसकी बॉन्ड ऑर्डर। सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो इसका पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया बच्चों, इसका नेचर कैसा हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेन किए तो पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद फिर हम ट्रिक देखते हैं कि कैसे बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड किया जाता है। 0 बॉन्ड ऑर्डर आ रही है तो नो एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझ लें, स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती है बॉन्ड ऑर्डर 0 आने पर। जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर होती है, स्टेबिलिटी भी उसकी ग्रेटर होती है, ग्रेटर स्टेबिलिटी। बट इफ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल, इफ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल, ग्रेटर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेसर स्टेबिलिटी। ठीक है, ग्रेटर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स लेसर स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, मीन्स क्या होता है
बिकॉज एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपोज द बॉन्डिंग, बॉन्डिंग अपोज करते हैं इसलिए क्या हो जाता है कि स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाती है जब बॉन्ड ऑर्डर इक्वल हो, ये याद रखना। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बॉन्ड ऑर्डर सेम होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है सेम बॉन्ड ऑर्डर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है सेम होती है। तो इस पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे ध्यान से, N2, N2 प्लस और N2 माइनस, इसकी बॉन्ड ऑर्डर आपको फाइंड करनी है। तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए बच्चों, 14। N2 प्लस में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 14 हो गए, इसमें कितना हो गया 13 इलेक्ट्रॉन, इसमें बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 14 और 13 वाला लेस देन और इक्वल टू 14 के अप्रोक्स आ रहा है, तो इसको बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर N2 की। तो इसके कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा, BA बच्चों ये वाला ऑर्डर फॉलो करेगा। तो इसको मैं जब इलेक्ट्रॉन हम फिल कर ले रहे हैं 2 2 2 2 1 1 फिर 1 फिर 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों इसमें फिल हो गया है, और उसके बाद फिर ये यहाँ पर भी 2, यहाँ पर बच्चों 2 हो गया, ठीक है। तो अब हम बॉन्डिंग काउंट कर लें, एंटी बॉन्डिंग काउंट कर लें, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग, इसमें कितने आ रहे हैं बच्चों 2 2 2 2 2 और 2, बॉन्डिंग के कितने आ रहे हैं बच्चों 10 आ रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग के कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। तो 10 माइनस 4 इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ गई बच्चों 3 आ गई। आपने देखा कि इसमें 10 है, 2 2 2 और 2 और 2, टोटल कितने हो गए इसमें 10 हो गए। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए 2 और 2 4 हो गए, ठीक है। तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2 ये कितना आ गया 3 आ गया। अब हम निकालेंगे N2 प्लस में, तो N2 प्लस में निकालेंगे तो बच्चों यही वाला ऑर्डर फॉलो करेगा N2 प्लस, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 13 है, तो एक इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से कम कर दें, यहाँ से कम कर दें, तो यहाँ पर 1 हो गया। तो अब जो N2 प्लस की बात करेंगे तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगी देख लेते हैं हम, बॉन्डिंग के कितने हो गए उसमें इलेक्ट्रॉन 9 हो गए, एंटी बॉन्डिंग के बच्चों उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है काउंट कर लो 2 2 4 हो गए, तो 5/2 यानी 2.5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, लेकिन जब हम बॉन्ड ऑर्डर किसकी बात करेंगे बच्चों N2 माइनस की, तो अब ऑर्डर पलट जाएगा, तब वो ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा, BA फिर A और फिर ये, तो ये वाला ऑर्डर बच्चों फॉलो करेगा। तो इसके लिए भी हम निकालेंगे 40 N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 15 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हुआ 2 2 2 2 2 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 और यहाँ पे 1, तो ये 14 और ये 15 हो गया, 15 हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी N2 में भी 13 थे तो सिंगल इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गई बच्चों इसकी, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2 2 बॉन्डिंग 2 बॉन्डिंग 2 बॉन्डिंग 2 बॉन्डिंग, 10 बॉन्डिंग के एंटी बॉन्डिंग कितने 2 2 4 और 1 5, तो इसकी भी बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ गई 2.5। बट आप देख रहे हो कि N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 हैं, और यहाँ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है 4 हैं। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर किसकी ज़्यादा हो गई, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो गई, मीन्स क्या हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज़्यादा स्टेबल N2, क्योंकि उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रही है 3 आ रही है, फिर N2 प्लस 2.5 आ रही है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है, फिर उसके बाद N2 माइनस क्योंकि इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर 2 ही है, इसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रही है, 2.5 है 2. ये भी 5 है, बट जो इसकी स्टेबिलिटी इसलिए कम होगी कि इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है 5 है, और इसकी ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग कम है, ये वाला पॉइंट अप्लाई होगा, ठीक है। इसके बाद इसके मैग्नेटिक नेचर की बात करेंगे, तो डाया वाला ये वाला डाया हो गया, ये वाला पैरा हो गया, ये वाला पैरा हो गया, क्योंकि जब आप इसको फिल कर रहे हैं तो आउटर में क्या आ रहा है सिंगल सिंगल आ रहा है, लेकिन जब 14 था तो कितना आया था पेयर आया था, यहाँ 2 था 14 था, तो है ना, और अभी किसमें आ रहा है सिंगल आ रहा है, तो पैरा हो गया, ये वाला डाया हो गया, उसकी बॉन्ड ऑर्डर ये वाली हो गई। तो ये बच्चों नोट कर लो। इसके बाद हम ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक आप डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम ट्रिक देखते हैं कैसे बॉन्ड ऑर्डर आप बिना कैलकुलेट किए फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर लिख देते हैं बॉन्ड ऑर्डर,
फिर हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन हम लिख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बच्चों अगर एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तीन है, चार है, फाइव है, सिक्स है, सेवन हो गया, एट हो गया, ये नाइन इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद टेन हो गया, इलेवन हो गया, ट्वेल्व हो गया, थर्टीन हो गया, फिफ्टीन हो गया, सिक्सटीन हो गया, सेवनटीन हो गया, एट्टीन है, नाइन्टी है और ये ट्वेंटी। तो हम देखते हैं बच्चों, याद रखना जो भी आपका 14 होगा उसकी बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 3 आएगी, 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगी। अब नीचे जाएंगे 0.5 कम करते जाएंगे, अगर 14 की 3 है 15 की बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी 2.5, 16 की क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 17 की 1.5, इसकी 1 हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी 0.5, 20 वाले की बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगी। अब हम ऊपर चलेंगे तब भी 0.5 कम कर देंगे, 2.5, 2, 1.5, 1, 9 वाले की बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गई 0.5, 8 वाले की 0 आ गई। अब बच्चों देखो ये कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं इनको देख लो, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगी 0.5, इसकी 1 आएगी, ठीक है 0.5, 1, इसकी बॉन्ड ऑर्डर बच्चों क्या आएगी 3 माइनस 3 है यानी 2 माइनस 1 0.5, फिर ये 0 हो जाएगी, फिर आएगी 0.5, 1 और 0.5। इसमें आपको आज के लिए कुछ प्रॉब्लम दे दे रहा हूँ, ये आपका असाइनमेंट है, आप इसको कर लीजिएगा। फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर नेचर एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग। इसमें पहला क्वेश्चन अभी हमने आपको कराया था N2 N2 प्लस N2 माइनस, तो ये आप अगेन कर लेना। इसमें दूसरा क्वेश्चन है O2 O2 प्लस और O2 माइनस का, तो आप इसको भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसमें तीसरा क्वेश्चन है आपका Li2 Li2 प्लस Li2 माइनस। इसमें तीसरा क्वेश्चन बच्चों है आपका NO NO प्लस NO माइनस, ठीक है बच्चों। तो F2 F2 प्लस F2 माइनस, बच्चों इसमें एक एक्सेप्शन है, CO प्लस की बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होती है, CO प्लस की बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होती है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 2.5 आएगी, ये मेटल ये 3.5 आती है। तो हम लोग बात करेंगे आगे कि 3.5 क्यों आती है जब हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि 3.5 क्यों आती है। ये थ्योरेटिकल जो आती है वो 2.5 आती है, बट इसकी जो एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर है वो 3.5 आती है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ऑर्बिटल थ्योरी का फेल्योर क्या था, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन जिनमें होते थे उनकी बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर पा रही थी, उससे ज्यादा के लिए थ्योरी क्या थी फेल हो गई थी। और इसमें जो भी 20 इलेक्ट्रॉन है और ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ही थ्योरी ट्रू है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए थ्योरी ट्रू फेल हो गई। तो जब मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन हो, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो, तब हम क्या करते हैं, तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। दूसरा फार्मूला और भी होता है, ये फार्मूला एक्सेप्शन भी इसका है, लेकिन ये फार्मूला दूसरा नोट कर लीजिए, टोटल बॉन्ड फॉर्म बाय बिटवीन एन एटम, एक एटम के बीच में जितने बॉन्ड बन रहे हैं, बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इससे भी हम निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ये 20 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा के लिए होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक के लिए बोलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कार्बन कार्बन बॉन्ड, अच्छा यहाँ पे पॉलीटॉमिक है मॉलिक्यूल, तो देगा कि इन दो बीच के एटम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करनी है। कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इन बेंजीन, तो अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाए तो हम ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे बेंजीन का,
हम देखेंगे कि कार्बन कार्बन इसको मान लेते हैं तो ये कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है, एक दो और तीन, तो ये 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हमको कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर चाहिए। तो कार्बन कार्बन टोटल 3 बॉन्ड बन रहे हैं, और बेंजीन के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर 2 बनते हैं, तो 3/2 मतलब इसकी बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगी। तो अल्टरनेट मेथड हम देखेंगे, अल्टरनेट मेथड है हमारा बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 + π/σ। तो 1 + π/σ से हम देखेंगे कि बेंजीन कितने सिग्मा बना रहा है, कार्बन कार्बन कितने सिग्मा बन रहे हैं, एक ए सिग्मा है एक ए सिग्मा, और ये वाला क्या बना रहा है बच्चों, पाई बना रहा है। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी, 1 + π/σ मीन्स क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 मतलब 1.5। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर जो रहेगी वो 1.5 यानी 1 और 2 के बीच में रहेगी बेंजीन की बॉन्ड ऑर्डर। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एनओ बॉन्ड ऑर्डर इन NO3-। तो NO3- का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बच्चों स्ट्रक्चर बनाएगा, NO3-, ये कोऑर्डिनेट बना लेगा। तो ये NO3- का स्ट्रक्चर बन गया। अब NO3- में रेजोनेटिंग कितने बनेंगे, 1, 2 और 3, और NO बॉन्ड कितने हैं, 4। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी, टोटल रेजोनेटिंग इसके बन रहे हैं, एक बार इधर पे निगेटिव आ रहा है, एक बार इस पे निगेटिव आएगा, एक बार इस पे निगेटिव आएगा, टोटल रेजोनेटिंग 3 बनेंगे, बॉन्ड इसमें कितने बन रहे हैं, 4, तो ये 4/3 आ जाएगा। इसकी मतलब इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो गई, 1.33 हो गई। अब इसका अल्टरनेट मेथड देखेंगे, मेथड सेकेंड देखेंगे, तो मेथड सेकेंड में हमको क्या करना है बच्चों, 1 + π/σ करना है, 1 + π/σ करना है। तो 1 + π बॉन्ड कितना बना रहा है बच्चों, 1π बना रहा है ये वाला, और ये वाला सिग्मा है, ये भी सिग्मा है कोऑर्डिनेट, और ये भी सिग्मा है, तो यानी कि 1 σ 3π यानी कि 1.33 इसकी बॉन्ड ऑर्डर 1.3 आ गई। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर लेना, ClO बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको किसमें, ClO4- में, ठीक है, आपको ClO4 में Cl बॉन्ड ऑर्डर आपको फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, आप इसको नोट कर लेते हैं, कल फिर हम अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे।